हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय व्लॉग्स। गाइस, आज जैसे अभी मैं ड्यूटी से घर आई तो मम्मी ने बताया कि आज फूल लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, कुछ नए फ्लावर्स आए हुए हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने गार्डन के फ्लावर्स देखने के लिए। और मैं आ गई छत पर, ये देखो आपको भी दिखाऊंगी। वैसे तो ना जो सीजनल होते हैं ज़्यादातर फ्लावर्स वाले, और सर्दियों में होता है ज़्यादातर, वो सर्दियों में हम लेकर आए थे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे, बहुत सारे फ्लावर्स वाले थे, बहुत सारे कलर्स में थे, तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर। लेकिन अब वही है ना, मर जाते हैं कुछ। कभी हम जैसे अभी शादियों का सीज़न आया था ना, फेब मार्च में बाहर रहे ज़्यादातर, तब कुछ प्लांट्स ख़राब हो गए। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके कभी आंधी तूफान आ गया, कभी बारिश आ गई ज़्यादा तो कभी ज़्यादा धूप से, तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके और बहुत सारे प्लांट्स हमारे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए जैसे ही अब किसी भी प्लांट पे अगर कुछ भी फूल आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो देखने को तो मिला। तो देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है छोटा छोटा फूल। ये देखिए आप भी, ये देखिए छोटू सा है बिल्कुल। इधर भी है कुछ दो चार, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो हर किसी का अपना होता है कि एक नेचर में जो भी ब्यूटी है उसको फील कर पाना। अगर आप भी उसमें से सोच के देखेंगे ना कि नेचुरल ब्यूटी जो है उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी आपको बहुत खुशी देंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। देखो है ना सुंदर, कमेंट करके बताना कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मेरी एक वीडियो में कमेंट आया था कि मैं अपने पूरे गार्डन की एक वीडियो बनाऊं और दिखाऊं, शेयर करूं आप सबके साथ। तो जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हम अपने पूरे गार्डन का एक टूर कराएं आपको। जैसा भी है बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ है इसमें, बहुत खास चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस गार्डन से। किसी ने कोई प्लांट गिफ्ट किया है तो कोई कई बार ख़राब हो गया, कोई बिल्कुल ही छोटा सा जब हम लेकर आए थे बिल्कुल ही ऐसा था ना, बिल्कुल इतना सा लेके आए और अब बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसा देख के ना बहुत खुशी होती है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी लगाई हुई हैं हमने, जैसे कि अमरूद और अंगूर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। वैसे ना मुझे हर एक प्लांट की ऐसी पहचान नहीं है कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, पर हाँ बस अच्छे लगते हैं। और जब उस पर कुछ लग जाता ना तो मुझे पता लगता है कि अच्छा ये इस चीज़ का है। ये देखो एक और, है ना सुंदर। देखो ये हम अपने मंदिर में भगवान जी को अर्पित कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग भी जितना हो सके प्लांट्स लगाइए, ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जितना भी पॉसिबल है आप भी लगाइए। और फिर उस ग्रीनरी में जब आप जाएंगे, अपने उस छोटे से गार्डन में जब आप जाएंगे ना, तो देखना वो फीलिंग ही अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये रैंडम ब्लॉग था आज का भी, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करनी है, बस मैं प्लांट देखने आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं देखने आऊँ तो आपको भी दिखाऊं जिसमें कि फ्लावर्स लगे हैं। ये देखो जाते जाते एक बार और दिखाती हूँ, छोटू से फ्लावर्स बिल्कुल ही क्यूट क्यूट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। Bye bye, see you guys, stay tuned.